ब्लड के स्टडी को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। अच्छा, ब्लड जो है उसका हमारे बॉडी के अंदर क्या काम है? वर्क, ट्रांसपोर्टेशन। किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन? एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन, मिनरल्स। और हमारे बॉडी के अंदर गैस का जो एक्सचेंज होता है, गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। ठीक है। अच्छा, ब्लड को सर्कुलेशन करवाने का काम हमारे बॉडी में कौन करता है? कौन करता है? हार्ट करता है। अच्छा, ब्लड का जो है, ब्लड को कितना पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड। सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट कितना वो परसेंटेज है, ब्लड का कितना हिस्सा सॉलिड है? 45%। और लिक्विड जो है वो 55%। अच्छा, 55% लिक्विड होने के कारण ही ब्लड जो है वो किस टाइप का होता है? लिक्विड टाइप का। चल ठीक, वेल डन। अच्छा, लिक्विड वाला पार्ट जो होता है ब्लड का, उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लड प्लाज्मा। किसके नाम से? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा, यानी इसको ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट्स मिल के ब्लड प्लाज्मा को बनाया है? वाटर, मिनरल्स, आयंस, एंटीबॉडीज और प्रोटीन। अच्छा, उसके अंदर वाटर का कितना प्रतिशत है? 90-92%। मिनरल्स कौन कौन सा है? Cl+। हाँ, Cl+ होता है। Cl-। हाँ, उसका और कौन कौन आयंस होता है जो? हाँ, Cl-, Ca+, Na+, CnO3-। HCnO3- सब होता है। अच्छा चल ठीक है। उसके बाद प्रोटीन कौन कौन सा है उसके अंदर? प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। अच्छा, एंटीबॉडीज के अंदर कौन कौन सा टाइप का एंटीबॉडीज रहता है? ऐसे हमारे बॉडीज के अंदर भी किस किस टाइप का एंटीबॉडीज है? IgG, IgAM, IgA, IgM, IgE, IgD। अच्छा, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी बताए थे, गम डे। क्या बताए थे? यस। उसके बाद अगर हम इस सॉलिड पार्ट्स का बात करें, 45% जो ब्लड का हिस्सा होता है, इस सॉलिड पार्ट्स में ब्लड का कौन कौन सा कंपोनेंट्स है? प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जिसको कि हम ब्लड का सेल भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? Yes। हाँ, आरबीसी का दूसरा नाम? एरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी का? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक। ब्लड का एक और बात हम बताए थे, बॉडी फ्लूइड्स का एक और बात बताए थे, जिसका हम बोले थे कि लिम्फ टाइप का होता है, लिम्फ, ये भी वो ट्रांसपोर्टेशन करवाने में हेल्प करता था। अच्छा, सीरम जो बनता है, सीरम वो किससे किससे मिलता है? प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे। अच्छा, क्लॉटिंग फैक्टर जो बोले उसको क्या नाम, क्या होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर? अगर उसको हम ऑप्शन कर ले तो क्या हो जाएगा? सीरम। अच्छा, ब्लड के अंदर से अगर सेल को निकाल लिया जाए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसको निकाल लिया जाए, तो बचा हुआ भाग को क्या बोला जाता है? ब्लड के अंदर से अगर हम कॉर्पसल्स को निकाल ले तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। ठीक। आरबीसी जो है, जिसका नाम तुम एरिथ्रोसाइट्स बोली है, क्या उसके मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है? नहीं। न्यूक्लियस क्या होता है? अगर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है उस आरबीसी के अंदर, तो क्या आरबीसी सेल डिवीजन कर सकता है? नहीं। सेल डिवीजन नहीं कर। अच्छा, सेल डिवीजन अगर आरबीसी नहीं कर सकता है, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना दिन का है? 90-120 डेज। अच्छा, एक ये बात बता, जो 120 डेज के बाद जो हमारा ये आरबीसी का सेल जो है वो डैमेज हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को ग्रेवयार्ड ऑफ सेल किसको कहा जाता है? वो तो यानी 120 डे के बाद जो होता है वो स्प्लीन में मेरा वो जो सेल होता है वो क्या होता है? डेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। अच्छा, ये जो डेड हो गया मेरा आरबीसी, फिर जो बनेगा ये आरबीसी वो कहाँ बनेगा? बोन मैरो। अच्छा, आरबीसी जो सेल है वो किस कलर का होता है? रेड कलर। रेड कलर का। अच्छा, रेड कलर ये क्यों होता है? हीमोग्लोबिन को कितना भाग में बांटा गया? चार। हीमोग्लोबिन को कौन कौन? सॉलिड और प्रोटीन। एगो सॉलिड यानी उसके अंदर जो सॉलिड नहीं, हीम वाला जो पार्ट्स होता है, और एगो प्रोटीन। तो आयरन जो होता है वो हीम वाला पार्ट्स का हिस्सा है कि प्रोटीन का हिस्सा है? हीम वाला पार्ट।
हीम वाला। अच्छा आयरन जो उसके अंदर पाया जाता है उसके कारण तो तुम बोली कि आरबीसी रेड होता है, रेड होता है। अच्छा आयरन एक और काम वहाँ पे करता है, क्या काम करता है? ऑक्सीजन कैरी। ऑक्सीजन कैरी। अच्छा आयरन का वैलेंसी कितना होता है, कितना उसका मतलब वैलेंसी होता है जिससे कि वो ऑक्सीजन उससे जुड़ पाता है? कितना? अच्छा प्लस टू होता है जिससे आयरन क्या होता है वो ऑक्सीजन क्या होता है जुड़ता है। अच्छा एक हीमोग्लोबिन का अणु कितना ऑक्सीजन को कैरी करता है? चार। कितना? चार का। अच्छा एक और बात बता, हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन जो होता है वो टोटल हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है? 5%। हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन वाला पार्ट से पूछे कितना परसेंट? 95%। अच्छा चल ठीक है, ये बता कि इसका काउंट जो होता है आरबीसी का हमारे बॉडी के अंदर वो कितना है? 6000 to 8000 की 5 मिलियन to 5.5 मिलियन। अच्छा इसका शेप कैसा होता है? बायो कॉन्केव। किस टाइप का? बायोबॉन्ड। अच्छा फीमेल के अंदर कितना होता है ये? 4 to 4.5 लीटर। अच्छा मेल के अंदर? 5 to 5.5। यानी मेल के अंदर इसका नंबर ज्यादा होता है। अच्छा ये जो WBC है ये WBC का कितना नंबर होता है? WBC का होता है हाँ? कितना होता है? अच्छा ये कितना दिन में जिंदा मर जाता है? 4 to 6 days। अच्छा WBC को बांटा गया है किसके बेसिस पे? WBC को जो बांटा गया दो पार्ट्स में कौन सी बांटा गया? ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। अच्छा ग्रेन्युलोसाइट जो है उसके अंदर और क्या क्या बांटा गया? बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। और एग्रेन्युलोसाइट के अंदर? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अच्छा एसिनोफिल का काम क्या है? अच्छा न्यूट्रोफिल का? न्यूट्रोफिल बताए तो कुछ खाने पीने वाला काम ही करता है, ये बैक्टीरिया और वायरसेस को फेगोसाइटोसिस से मारता है। फेगोसाइटोसिस करने का काम करता है, उसको खत्म करने का काम करता है। यानी ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो साफ सुथरा वाला से अगर ब्लड के अंदर का बात करें तो वो न्यूट्रोफिल सबका ही काम होता है। ठीक चल, लिम्फोसाइट का क्या काम होता है? वो एंटीबॉडीज बनाता है। और मोनोसाइट्स? माइक्रोब्स को मारता है। वो भी उसी टाइप का, यानी कि अगर बात करें माइक्रोब्स का और न्यूट्रोफिल्स का, ये दोनों का काम लगभग लगभग सेम होता है। क्या समान क्या है दोनों का मिला के भी? दोनों किल करता है सब कुछ को। दोनों क्या वही जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है वही को क्या करता है? किल करता है। ठीक चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जाओ।